हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. ओके स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश क्लास. वेल चिल्ड्रन, इन टुडेज वीडियो वी हैव टू डू क्वेश्चन आंसर ऑफ यूनिट 12, माय डॉग डज माय होमवर्क. ओके चिल्ड्रन, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इज द डॉग इंटेलिजेंट? क्या डॉग इंटेलिजेंट है? हाउ डू यू नो? सो आंसर इज, the dog is intelligent. He answers all the questions correctly. हाँ, dog intelligent है क्योंकि उसने सारे questions के answer correct दिए थे. Okay, now question, next question. What is the only problem with the homework? Homework के साथ क्या problem थी? क्या homework में क्या problem थी? जब सारे आंसर्स राइट थे फिर भी क्या प्रॉब्लम थी जो मेन थी? सो आंसर इज, द ओनली प्रॉब्लम विद द होमवर्क इज दैट इज स्लो बर्ड ऑल ओवर. स्लो बर्ड हो गया था, सारा गीला वेट कर दिया था उसने स्पिट के थ्रू, तो बेकार था वो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक द चाइल्ड गेट्स द डॉग टू डू द होमवर्क? So answer is, the child gets the dog to the homework because he is doing other things. Question number 5th, do you think it is right to get someone else to complete your homework? क्या आपको लगता है कि दूसरे के थ्रू हमें अपना होमवर्क करवाना चाहिए? जैसा कि इस पोएम में बच्चे का होमवर्क डॉग करता है, सारा कुछ सही होने के बावजूद भी उसका क्या होता है? वो टीचर को अपना वर्क नहीं सबमिट करा पाता. क्यों? क्योंकि वो डॉग सारा गीला कर देता है वर्क को, तो वो गंदा कर देता है, तो क्या फ़ायदा दूसरे से काम कराने का? तो क्या लगता है आपको अपना वर्क इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि क्या आपको किसी दूसरे से अपना होमवर्क कराना चाहिए, ठीक होता है या नहीं? सो आंसर इज, आई डू नॉट थिंक इट इज राइट टू गेट समवन एल्स टू कंप्लीट. माय होमवर्क, बट इफ आई एम रियली स्टक, आई समटाइम आस्क माय मदर टू एक्सप्लेन थिंग्स टू मी. इट मीन्स ये सही नहीं है कि हम अपना होमवर्क किसी दूसरे से करवाएं. एंड बट इफ आई एम रियली स्टक, अगर कोई सब्जेक्ट का हमें होमवर्क समझ नहीं आता तो मतलब हमें, तो हम कह सकते हैं अपने घर में अपने एल्डर सिस्टर को कह सकते हैं, अपने मदर को कह सकते हैं कि वो एक्सप्लेन कर दे, समझा दे. बट हम ऐसे तो नहीं कि पूरा होमवर्क ही किसी और से कराएंगे, ये तो बैड थिंग है ना, बैड मैनर्स है. ये अपना वर्क अपने आप ही हमें करना चाहिए, दूसरों से करवाने पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही करेगी. इज इट इट? सो आपका ये रिटर्न वर्क है इंग्लिश की नोटबुक में, डबल लाइन की नोटबुक में, इसी तरह आपने राइट करना है. फॉर्मेट आपको पता है कैसे आपने राइट करना है. हैंड राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन करनी है. ओके, सो लेक्चर इज़ ओवर. थैंक यू.